मैं तो गढ़ोत्कच के विषय में सोचते सोचते थक गया, किंतु मेरी समझ में उसके लिए कोई उपाय नहीं आ रहा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं गुरुवर कि हम जोर्जुन भीम से युद्ध करने आए हैं, हम वो युद्ध राक्षस के हाथों हार जाएंगे? मैं जय पराजय की बात नहीं कर रहा हूं दुर्योधन, ये समझ लो कि गढ़ोत्कच एक अचूक अस्त्र है जो पांडवों के हाथ लग गया है। उसे पराजित करने के लिए किसी दिव्यास्त्र की आवश्यकता होगी। दिव्यास्त्र? मेरी ओर यूं ना देखो मित्र, इंद्र की दी हुई शक्ति मैंने अर्जुन के लिए बचा रखी है। घटोत्कच का उपाय या तो तुम स्वयं करो या फिर आचार्य सोचें। Yeah.
मैं तुमसे यह पूछने आया हूं मित्र कि स्वयं अपने रक्त में नहाया हुआ तुम्हारा ये मित्र तुम्हें कैसा लग रहा है? अब थोड़ी देर के पश्चात ना तो तुम्हारा ये मित्र रहेगा और ना ही उसकी सेना। फिर तुम इस रणभूमि में अर्जुन को ढूंढते रहना। यदि तुम्हारे लिए अर्जुन का महत्व तुम्हारे मित्र दुर्योधन से अधिक है तो जाओ, मैं तुम्हें अपनी मित्रता के बंधन से मुक्त करता हूं। ऐसा ना कहो मित्र, ऐसा ना कहो। तुम मेरे वीर पुत्र के वीर गति प्राप्त होने पे हंस रहे हो कृष्ण? मैं उसके वीर गति को प्राप्त होने पर नहीं हंस रहा हूं मजले भैया। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि आज अर्जुन बच गया। जिस दिन से ये युद्ध आरंभ हुआ है उसी दिन से मैं इस चिंता में था कि कर्ण के पास इंद्र की शक्ति है जिसे कोई कवच नहीं रोक सकता, और इसीलिए मैं कई दिनों तक अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं आने दे रहा था।
अब आप ही बताइए मजले भैया कि ये शोक की घड़ी है या आनंद की। आपके पुत्र ने तो वीर अभिमन्यु से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है और इसके लिए आने वाले सारे युग वीर घटोत्कच को प्रणाम करते रहेंगे। कर न सकेगा कर्ण अब फिर से शक्ति प्रयोग, यही सोच हरि हंस दिए दिखे दुखी सब लोग। अमर घटोत्कच ने किया मर कर यह परमार्थ, कर्ण अरक्षित हो गया हुआ सुरक्षित पा।